नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 दोस्तों तो तृतीय चरण 7 मई को होने जा रहा है। 7 मई को आप सभी को वोट डालने जरूर जाना है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और वोट डालने जरूर जाना है, ठीक है दोस्तों। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके पास आपको जो मतदाता पर्ची वितरित की गई है, मतदाता पर्ची होना चाहिए, वोटर पर्ची होना चाहिए, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपकी पहचान बताता हो, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐसे और भी डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको आज बताऊंगा कि साथ में आपको क्या क्या ले जाना है। तो केवल वोटर पर्ची नहीं ले जाना है, वोटर पर्ची के साथ ये आवश्यक डॉक्यूमेंट जरूर ले जाना है। इसके बाद पूरा निर्वाचन किस तरह से होगा, अंदर आप जैसे ही केंद्र में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, किस किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया होगी, और आपके वोट डालने की ईवीएम वीवीपैट मशीन, इन सब की कंट्रोल यूनिट की प्रोसेस क्या होगी, वो सब आप आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे आप मान लीजिए किसी कारणवश आपको अभी मतदाता पर्ची ना मिल पाई हो, तो आप वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपना मतदान केंद्र जान सकते हैं, कहाँ आपको वोट डालने जाना है, आपका डाउनलोड ई पिक कर सकते हैं, ई पिक जो वोटर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपकी जानकारी रहेगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना मतदान केंद्र जान सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी आज बताने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, और 7 तारीख को वोट डालने आप जरूर से जरूर सभी मतदाता को जाना ही है, ठीक है। तो 7 तारीख को मतदान अवश्य करें, और इसी के साथ पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। तो ठीक है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव का पर्व देश का गर्व, मतदाता मार्गदर्शिका है, स्मार्ट मतदाता बने, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आपको कुछ ऐप पता होना चाहिए, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, ठीक है, जिस पर कि हम यदि आपको मान लीजिए पर्ची नहीं मिली है तो आप डाउनलोड ई पिक कर सकते हैं, अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कहाँ आपको वोट डालने जाना है, आपका मतदान केंद्र कौन सा है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी सुविधाएँ जो हैं आपको मिल जाती हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप जरूर आप डाउनलोड करके रखें। इसके बाद मतदान के दिन क्या होता है, तो मतदान के दिन आप देखेंगे कि मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए मतदान के दिन अवकाश की घोषणा की जाती है। सभी दिन सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट है या कहीं भी कोई भी कार्यरत है तो उस दिन अवकाश रहता है, विथ पेड, मतलब सैलरी पेड होती है, और उस दिन अवकाश की घोषणा की जाती है, ठीक है। मजदूर भी हैं तो उनको उस दिन की मजदूरी मिलेगी, लेकिन अवकाश रहेगा उनका, ठीक है। अब ये अवकाश केवल अवकाश के लिए नहीं है, ये मतदान करने के लिए है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, मतदान केंद्र के अंदर कोई भी उपकरण ले जाना मना है, कोई भी उपकरण आप नहीं ले जा सकते। उपकरण जैसे क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते वोट डालते समय, कैमरा नहीं ले जा सकते, हेडफोन नहीं ले जा सकते, कोई स्मार्ट वॉच ये नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो आपको मोबाइल ये सब चीज़ें बाहर ही रख के आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आप मोबाइल फ़ोन, कैमरा या हेडफोन या स्मार्ट वॉच ये कुछ भी मतदान केंद्र के अंदर वोट डालते समय नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और मतदान केंद्र का पता करना है तो आप मतदान केंद्र का पता लगाएं voters.eci.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, 1950 जो नंबर है इस पर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड ई पिक कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी, आपका केंद्र की जानकारी भी सब मिल जाएगी। ये हो गया। अब ये जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, मतदान करने के लिए कोई भी एक मान्य पहचान दस्तावेज आईडी प्रूफ लेकर जाएं। आपको मतदाता पर्ची तो मिली गई होगी सभी को, मतदाता पर्ची मिलने के साथ मतदाता पर्ची तो आपको ले ही जाना है, वोटर पर्ची जो आपको मिली है वो तो आपको ले ही जाना है, उसके साथ कौन से एक दस्तावेज आप ले सकते हैं, वो सारे दस्तावेज में से मैं आपको सभी के नाम बता रहा हूं। तो ये जो मैं दस्तावेज बता रहा हूं इनमें से कोई सा भी एक दस्तावेज आपको साथ में ले जाना है। पहला तो मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक, जो आपका वोटर कार्ड होता है वही आप ले आ सकते हैं। दूसरा आधार कार्ड, आधार कार्ड भी सभी के पास होता है, आधार कार्ड ले आ सकते हैं, पैन कार्ड ले आ सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID ले आ सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारी को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र ले आ सकते हैं।
बैंक डाकघर की फोटो युक्त पासबुक भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है वो ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज ले सकते हैं। संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया अधिकारी पहचान पत्र ले सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मतदाता पर्ची के साथ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त में जो आपको फैमिली यार बताना चाहूँगा कि आप सभी के बाद जो है वोटर कार्ड जरूर रहता है और आधार कार्ड तो रहता ही है ना। तो आप ये सबसे सरल है कि आप वोटर कार्ड या आधार कार्ड लेकर चले जाएँ। बाकी ये सब चीज़ें भी हैं, इनमें से भी कोई सी एक चीज़ लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। और कोई गैरकानूनी चीज़ें हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उनको सी विजिल ऐप के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब मतदान प्रक्रिया हम देख सकते हैं। मतदान प्रक्रिया, डालें वोट बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाए, ठीक है। डालें वोट बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाए। अब किस तरह करना है, पहली स्टेप क्या होती है, मतदाता लाइन में खड़े रहते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे अंदर एंटर करते हैं तो मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपके नाम और आपके आईडी प्रूफ की जांच करता है, आपके नाम की और आप आईडी जो प्रूफ जो ले जाएंगे इनमें से, है ना। फोटो मतदाता फोटो पहचान पत्र, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, जो भी चीज़ ले जाएंगे आप, उनकी पहचान करेंगे, जाँच करेंगे। उसके बाद मतदान अधिकारी आपके अंगुली के नाखून पर अमिट स्याही से निशान लगाता है, पर्ची देता है और आपके हस्ताक्षर लेता है, ठीक है। पर आपको हाथ पे उंगली पर जो है निशान लगाया जाएगा स्याही के जरिए, फिर आपको एक पर्ची दी जाएगी और फिर आपके साइन सिग्नेचर लिए जाएंगे, सिग्नेचर या अंगूठा लिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मतदान अधिकारी पर्ची लेंगे, फिर और आपके उंगली के नाखून पर निशान होने की जांच करेंगे कि उंगली पर जो है निशान लगा है कि नहीं, और पर्ची ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है, सीधे आपको केबिन में जाना है जहां पर कि ईवीएम मशीन रखी रहती है। तो मतदाता वोट डालने के लिए ईवीएम पर अपनी पसंद अपने पसंद के अभ्यर्थी या फिर नोटा के सामने का बटन दबाता है, लाल बत्ती जल उठती है। इनमें से कोई नहीं, नोटा का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं ईवीएम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप में उपलब्ध रहता है। अब और अपन इसको सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो अपना वोट डालना किस तरह से रहेगा। तो आपको वहां पर तीन इस तरह से मशीनें दिखेंगी, एक तो ईवीएम है, ठीक है, एक आपकी ये वीवीपैट मशीन रहेगी और एक ये रहेगा कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो तीनों चीजें ध्यान से इस तरह से रखेंगे, आपको तीनों के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला, मतदान करने के लिए तैयार। जैसे ही आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट बीयू को चालू करेगा, ये बैलेट यूनिट को चालू कर देंगे। बैलेट यूनिट की रेडी लाइट जल उठेगी, रेडी लाइट ग्रीन वाली जल उठेगी। इसके बाद अपना वोट डालें। अब आपको अपना वोट डालें, बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम या प्रतीक चिन्ह या नोटा विकल्प के सामने नीला बटन दबाना है। इसके सामने नीला बटन रहेगा, यहाँ अभ्यर्थी का नाम रहेगा, फिर अभ्यर्थी का प्रतीक चिन्ह रहेगा, जो भी उनको अलाट हुआ है प्रतीक चिन्ह, वो प्रतीक चिन्ह रहेगा। अब आपको जिस भी आपके जो भी पसंद के अभ्यर्थी हैं उनके सामने यहाँ नीली कलर की बटन रहेगी, इस बटन को आपको दबाना है, नीला बटन दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको बत्ती देखना है, उसके सामने वाली बत्ती, ठीक है। चुने गए अभ्यर्थी के नाम या नोटा विकल्प प्रतीक चिन्ह के सामने की लाल बत्ती जल उठेगी। जैसे ही आप दबाएंगे तो उसके सामने की बत्ती जो लाइट रहेगी वो जल उठेगी लाल कलर की, है ना। इसके बाद अपने वोट की पुष्टि करें। अब ये जल हो गई, अब आपको पुष्टि करना, तो क्या करेंगे, आपने यहाँ का काम कर लिया, यहाँ कहीं भी आपने दबाया, यहाँ लाल बत्ती जल उठी, अब पुष्टि करना है तो इस मशीन पर आना पड़ेगा। अपने वोट की पुष्टि करें, वीवीपैट मशीन से चुने गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह या नोटा के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित होगी। आपने जिसको भी यहाँ पर वोट दिया है, उनकी यहाँ पर जिसको भी वोट दिया है उनकी पूरी जानकारी, नाम, प्रतीक चिन्ह, है ना, क्रम संख्या, सभी यहाँ पर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ जिसको वोट दिया है वही व्यक्ति की जानकारी यहाँ है या नहीं, ठीक है। तो ये आप जांच लें, उसके बाद एकदम से आपको निकलना नहीं है, आपको यहाँ भी जांचना है। 7 सेकंड तक यहाँ पर्ची दिखती है आपको वीवीपैट मशीन पर। इसके बाद बीप की आवाज सुनना है, यहाँ बीप की आवाज आएगी, कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि होती है कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया। तो ये बीप से जैसे ही आवाज आएगी तेजी से, तो आप समझ जाएं कि आपका वोट सफलतापूर्वक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पहले आपको अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने की बटन को दबाना है, उसके बाद यहाँ लाल कलर की जो है बत्ती जल उठेगी, लाइट जल उठेगी। उसके बाद वीवीपैट मशीन में देखना है कि वही व्यक्ति की जानकारी यहाँ आ रही है या नहीं। उसके बाद यहाँ से बीप बजेगी, तो आप समझ जाएं कि आपका वोट सफलतापूर्वक हो गया है। फिर आप वहां से केबिन से निकलकर
जा सकते हैं। यदि आपको वीवीपैट में मतदान पर्ची न दिखे या बीप की तेज आवाज न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी संपर्क करें। शीशे में से पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है, 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित रख ली जाएगी, बाकी पर्ची जो है इसी में सुरक्षित रख ली जाती है। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुविधा ऐप कई सारे हैं, सक्षम ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, जैसे आपको बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण है वोटर हेल्पलाइन ऐप, है ना। इसके बाद अपने अभ्यर्थी को जाने नो योर कैंडिडेट ऐप है, सी विजिल ऐप है, ठीक है। इस तरह से कई सारी ऐप हैं। आपको आश्वास दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्वास न्यूनतम सुविधाएं भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। घर से मतदान की सुविधा, डाक मतपत्र सुविधा जो 12D फॉर्म हमने भरा है वो आप देख ही सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं बेंचमार्क प्रमाण पत्र जारी दिव्यांगजन फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डालने की सुविधा और डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कार्य कर लिया गया है। बाकी अब सीधे हमारा जो है ईवीएम वाला कार्य रहेगा, ठीक है। ईवीएम मशीन से किस तरह से वोट डालना है पूरा वो मैंने आपको बताया। तो हम एक बार मतदाता शपथ भी लेंगे। तो है यह सबकी जिम्मेदारी, डालें वोट सभी नर नारी, ठीक है। चलिए तो अब वोट जरूर डालेंगे हम। सीधे शपथ एक बार जरूर लेते हैं। चुनाव का पर्व देश का गर्व, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को वोट डालने जरूर जाना है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आपको पता भी है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। हम सभी को वोट जरूर डालना है, ठीक है। तो आपको मैंने सभी चीज़ें बता भी दी किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी रहेंगे, किस तरह से वोट डालना है। और आपको अभी भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इन सभी जानकारियों से रूबरू होते रहने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।